हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम बनाएंगे चिकन सीजर सैलड। वेट लॉस के लिए बहुत ही लो कार्ब रेसिपी है ये विद हाई प्रोटीन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। सबसे पहले मैंने लिया है लेटिस बहुत सारा, और सेम अमाउंट में हम लेंगे स्पिनच के पत्ते, छोटे छोटे वाले जो सैलड की स्पिनच होती है वो वाली। फिर मैंने एक बाउल ली है ब्रोकली, और साथ ही में कुछ यहाँ पे कट कर लिए वेजिटेबल्स मैंने, जिनमें है कुकुम्बर। सो एक कुकुम्बर लिया है मैंने, उसे छोटी छोटी पीसेस में कट कर लेना है। और टोमेटो भी कट किया है मैंने एक, और फिर गाजर लेंगे हम, इसे अच्छे से बारीक बारीक कट कर लेंगे, किसी भी साइज़ में, जो साइज़ आपको पसंद हो उसी साइज़ में कट कर ले। साथ ही में मैंने एक स्टिक ली है सेलेरी की, इसे भी छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। ये रेडी है, डाले। एंड में लिया है मैंने चिकन स्ट्रिप, ये फ्रोजन वाले कुक चिकन स्ट्रिप है, लेकिन इसे मैं बस पैन में थोड़ा सा गरम करके लूँगी, सेक के लूँगी, तो ये रेडी हो जाएंगे बस 5 मिनट में। और ये है हमारे कटी हुई सब्जियां, सारी सब्जियां सेम अमाउंट में ली है मैंने, अच्छे से कट करके वॉश करके फ्रेश है सारी की सारी। आप जो भी और सब्जियां इसमें ऐड करना चाहते हो कर सकते हो। मैंने बस रोमेन लेटस जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा लिया है, वो इस सैलड में बहुत अच्छा लगता है। इसे अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा नमक एंड थोड़ा सा। अब इस सैलेड में हम ऐड करेंगे कुछ ड्रेसिंग्स। सबसे पहले मैं लेमन ऐड कर लूँगी, बहुत टेस्टी लगता है सैलेड के ऊपर लेमन, ये ऑप्शनल है। और फिर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर एंड थोड़ा सा पिंक सॉल्ट। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल एंड अपने पसंद की कोई भी ड्रेसिंग ऐड करें। मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून के करीब रैंच एंड हॉट सॉस 1 टीस्पून, क्योंकि मुझे स्पाइसी सैलेड पसंद है। अगर आप चाहो तो ऑप्शनल है, आपने काली मिर्च भी डाली। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड फिर इसे सर्व करेंगे एक अच्छे से प्लेट में। साथ ही में चिकन डाले इसके ऊपर, और हमारा चिकन सीजर सैलेड इज रेडी। आप इसके ऊपर ग्रेटेड चीज़ डाल सकते हो, पार्मेसान चीज़, एंड एंजॉय करें वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें, ताकि फ्यूचर में आने वाली बहुत सारी वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और आफ्टरनून या फिर डिनर के टाइम में भी आप इसे ले सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, सी यू।